जी कृष्णय्या हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन को जेल से रिहा करने के बाद क्या जेडीयू अगले चुनाव में उनका राजनीतिक इस्तेमाल करेगी? बीजेपी के इन आरोपों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब दिया है। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता सुशील मोदी छपास रोग से पीड़ित हैं। वे झूठ बोलने वाले गिरोह के सरगना हैं। दरअसल ललन सिंह से ये पूछा गया था कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि आनंद मोहन समेत जिन लोगों को जेल से रिहा किया गया है उनका अगले चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। ललन सिंह ने जवाब दिया, यह सब बकवास है। जेल से जो लोग छूटे हैं उनमें किसी की उम्र 75 साल है तो किसी की 84 साल, उन लोगों का चुनाव में क्या उपयोग हो सकता है? यह सब राजनीतिक इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। सुशील मोदी जी छपास रोग से ग्रसित है, से छात्र नेता नहीं होता है, उसको रोज कुछ न कुछ छपना रहता है। वही हालत है सुशील मोदी जी का। और हमको लगता है कि जो असत्य बोलने वालों का जो एक गिरोह है, उस गिरोह के सरगना है। देखिए सर, उनका यह भी कहना है कि जिन 26 लोगों को आपने आनंद मोहन के साथ साथ छोड़ा वो आप लोग के एजेंट है, चुनाव में आप उनका इस्तेमाल करेंगे चुनावी रूप से। ये सब बकवास है। कौन एजेंट है? उसमें 78 साल का व्यक्ति है, 87 साल का व्यक्ति है, वो क्यों किसी का एजेंट होगा? ये सब राजनीतिक इस्तेमाल करने का काम है उनका, और वो राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, वो करते रहे। ललन सिंह ने कहा कि सुशील कुमार मोदी छपास रोग से ग्रसित हैं। जैसे किसी छात्र नेता की ख्वाहिश होती है कि हर दिन अखबार में छपना है, वही हाल सुशील मोदी का है। वे हर दिन अखबार में छपना चाहते हैं। ललन सिंह ने कहा, हमको लगता है कि असत्य बोलने वालों का जो गिरोह है उसके सरगना सुशील मोदी हैं। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई नहीं हुई है, आनंद मोहन को सजा मिली और जो सजा मिलती है उसमें कानूनन परिहार मिलता है, उनको नहीं मिल रहा था और 14 साल की जगह 15 साल जेल में रहे। एक कानून में अड़चन था, उसे राज्य सरकार ने हटा दिया। आम और खास का अंतर खत्म किया गया है। आम आदमी की हत्या पर जो सजा कोर्ट से होगी और एक सरकारी कर्मचारी और सरकारी पदाधिकारी में सजा आजीवन रहेगा, यह आम और खास में अंतर होता है। अब तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोई रिहाई नहीं हुई है। आनंद मोहन जी को सजा मिली और जो सजा मिलती है उसमें कानूनन परिहार मिलता है, परिहार उनको नहीं मिल रहा था और 14 साल के बजाय 15.5 साल वो जेल में रहे। उसका एक कानून में अड़चन था, उस कानून को राज्य सरकार ने खत्म किया, आम और खास का अंतर खत्म किया। आम आदमी अगर मंगलू राम का हत्या हो जाएगा तो वो उसको जो सजा होगी हत्यारे को वो 14 साल में छूट जाएगा, और एक सरकारी कर्मचारी और सरकारी पदाधिकारी को जो हत्या होगा उसमें वो आजीवन रहेगा। तो आम और खास के अंतर था, उस आम और खास के अंतर को समाज लेकिन सर लेकिन किसी को रिहाई नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है उनकी वाइफ की याचिका जो है। जी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट अपना करेगा। ललन सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये जनगणना नहीं है, ये गणना है। बिहार में सभी पार्टियों की सहमति से जातीय गणना कराई जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उससे कोई घाटा होने वाला है, वे एक्सपोज होंगे। इसी वजह से पर्दे के पीछे से बीजेपी मुकदमा करा रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाता है वह वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। भाजपा के अंदर जितने भ्रष्टाचार हैं उनमें से किसी पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की। हम चुनौती देते हैं कि हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करें। ये जातीय जनगणना नहीं है, आप लोग गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जातीय गणना है और जातीय गणना कराई जा रही है, सभी दलों की सहमति से कराई जा रही है। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई उससे उनको कुछ घाटा होने वाला है, वो एक्सपोज होंगे तो वो पीछे से पर्दे के पीछे से मुकदमा करवा रहे हैं। तो मुकदमा होगा तो कोर्ट में, हाईकोर्ट में तय होगा, सर्वोच्च न्यायालय में तय होगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से मुहिम को एकजुट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो देश में भ्रष्टाचारियों को सबको एक साथ ला रहे हैं, एक मंच पर ला रहे हैं। भाई जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है भ्रष्टाचारी, वो वॉशिंग मशीन से धुल के निकल जाता है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने भ्रष्टाचारी हैं, किस पर कार्रवाई किया इस केंद्र की सरकार ने, उनको बताना चाहिए। और नहीं तो उनमें साहस है, हम चुनौती देते हैं। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि देश की बात ना करनी चाहिए, मन की बात कर रहे हैं, आप मन के कोई स्वामी हैं, देश में मठ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने कभी मन की बात नहीं देखा है, मन की बात इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री करते हैं, इस देश की बहुत सारी समस्या है, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए 9 साल में क्या 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, इस पर कुछ नहीं बोलना है। बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है, सरकारी सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। आज तक मैंने कभी मन की बात नहीं देखा। सुशील जी बताएं, कभी उनके साथ देखे हैं क्या बैठ के? कभी हम मन की बात देखते ही नहीं, इसलिए कि मन की बात क्या होती है जी? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की बात ना करिएगा। सॉरी सर, आप मन की बात कर रहे हैं, क्या है आप? मैंने कोई स्वामी है, मठ चला रहे हैं, अरे देश में। और हमने क्या क्या, हमने कहा है कि मन की बात में अगर इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो देश की ज्वलंत समस्या है महंगाई, देश की ज्वलंत समस्या है बेरोजगारी, तो सुशील जी को बताना चाहिए कि भाई हमने 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, तो उस पर तो कुछ बोल नहीं रहा। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।